चलिए इधर आइए। सो अभी मैंने मॉस का डेफिनेशन समझाया आपको कि क्या होता है मॉस का डेफिनेशन। सो मॉस में जो बॉडी होगा डिफॉर्मर बॉडी होगा, एक्सटर्नल लोड से सब्जेक्टेड होगा, लिमिट होगा इलास्टिक लिमिट, और उसके कारण एक्सटर्नल लोड लगने के कारण बॉडी में इंटरनल फोर्सेस जनरेट होगा, दैट मीन्स स्ट्रेस। उसके कारण उस बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है इसका एनालिसिस क्या कहलाता है, इसका स्टडी इसका एनालिसिस ही क्या कहलाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? इसका एम क्या है, एम ऑफ द स्टडी। तो एम क्या चीज है ध्यान देना। अब अलग अलग जैसे कंपोनेंट है हमारे पास, बार है, कॉलम है, बीम है, शाफ्ट है, तो इस सब में हम करना क्या चाहते हैं, इस सब्जेक्ट से हम करना क्या चाहते हैं, सब कंपोनेंट को देख के। इस सब्जेक्ट में इतने जो कंपोनेंट है, बार है, बीम है, इस करना क्या है, इस सब्जेक्ट में इससे इसको डिजाइन करना है। क्या करना है? डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी चीज को डिजाइन करना है दैट मीन्स उसको टूटने से बचाना है। अगर सिद्धांत चाह रहा है कि मैं मेरे को एक बीम बनाना है और मैं इतने लोड का चाहता हूँ, इतना लोड वो सह सके ये चाहता हूँ, तो ये देखना पड़ेगा ना, देखना क्या पड़ेगा, उसका डायमेंशन कितना हो, उसका शेप कैसा हो और कौन सा मटेरियल लगे। ये तो तीन चार चीज़ें डिजाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट है कि 500 न्यूटन का लोड बियर कर सके कोई मेरा बीम, तो डिजाइन करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बोलो, उसका डायमेंशन कितना हो, उसका शेप कैसा हो, स्क्वायर शेप का हो कि रेक्टेंगुलर शेप हो कि आई सेक्शन हो, यही तो इंपॉर्टेंट है। शेप उसका डायमेंशन कितना हो, आई सेक्शन हो लेकिन छोटा आई सेक्शन हो कि बड़ा आई सेक्शन हो, डायमेंशन, शेप, डायमेंशन। अब शेप और डायमेंशन समझ में आ गया, हमको मटेरियल सेलेक्ट करना है। कोई प्लास्टिक मटेरियल लगा दोगे तो टूट नहीं जाएगा यार, तो मटेरियल इंपॉर्टेंट है। यही सब तो है डिजाइनिंग का फंडामेंटल चीज़ें। तो ये और क्या चीज़ें हैं इसमें, जो कोई भी आपके पास कंपोनेंट है उसमें डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है लोड लगने से, उसका रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना कि हाँ डिफॉर्मेशन का हमने एक रिलेशन बना लिए, या स्ट्रेस का इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का एक रिलेशन बना लिए, फिर लोड और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर करके हम देख रहे हैं कि कितना इफेक्ट हो जाएगा। अगर इतना लोड लगाएंगे, इतना क्रॉस सेक्शनल करेंगे तो इतना स्ट्रेस जनरेट होगा। सुन रहे हो, डिजाइनिंग कैसे किया जाता है समझिए पहले आप। देखो जैसे कोई एक मटेरियल है आपके पास, ध्यान देना, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की वाली क्लास है सर, हमारा एक दिन आप नुकसान कर दिए, तुम फालतू बात नहीं करना यार मेरे साथ, ये नॉलेज वाली चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। आपको धीरे धीरे हम उस लेवल पे ले आएंगे जहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे जो एग्जाम में है। अभी आप चीज़ों को समझिए, पहले आप फंडामेंटल चीज़ों को समझिए। आपके पास कोई एक मटेरियल है, मान के चले ये मटेरियल है, ये मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है। सर आपको पहले बताओ तो सही डक्टाइल मटेरियल क्या है, अरे बताएंगे ना, टेंशन मत लो। इधर देखो, ये डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल है तो उसका स्ट्रेंथ मुझे बताना है, तो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ कौन सा, किससे बताया जाता है प्रश्न जी, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ, अगर इसका स्ट्रेंथ बताना है तो स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस ये कितना बियर कर सकता है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट कर सकता है। स्ट्रेस कहने का मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कब आता है, जब इस पर कोई लोड ही नहीं लगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया है क्या है, जब तुमको हेल्थ का प्रॉब्लम ही नहीं है तो हेल्थ का स्ट्रेस आया है क्या, तुमको फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है क्या, नहीं आया। तो जिस टाइप का लोड रहता है वैसे स्ट्रेस आता हो, तो बात की विषय हम बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिए जब ये रजिस्टिंग फोर्स तभी आएगा जब बॉडी किससे सब्जेक्टेड होता है, एक्सटर्नल लोड से, तभी तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स आता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, वो बॉडी कितना मैक्सिमम इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर सकता है, उसके बियॉन्ड अगर तुम लोड लगा दोगे तो बॉडी टूट जाता है। सो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ किससे बताया जाता है, डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ यार, डक्टाइल मेटल का जो स्ट्रेंथ बताना है तो हम क्या बताते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, SU या फिर सिग्मा U, U नहीं, U तो अल्टीमेट हो जाता है, सिग्मा वाई, ये क्या कहला रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है सर, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब, मैं यही तो बोल रहा हूँ, डक्टाइल मेटल का स्ट्रेंथ किससे बताया जाएगा, तो किससे बताया जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ। समझ में नहीं आया सर यील्ड स्ट्रेंथ, अरे कुछ थोड़ी ना, ये सिग्मा मतलब स्ट्रेस होता है, यील्ड पॉइंट पे कोई भी डक्टाइल मटेरियल है उसका एक यील्ड पॉइंट आता है, हर एक डक्टाइल मटेरियल में नहीं आता, ये भी हम धीरे धीरे समझेंगे, कोई भी डक्टाइल मटेरियल उसका एक यील्ड पॉइंट आता है। ये सर यील्ड पॉइंट अपने आप आता है कि वो कान में जब उससे पूछोगे आप कि भैया आप अपना यील्ड पॉइंट बताओ, तो वो चिल्ला के बताता है कि मेरा यील्ड पॉइंट इतना है, ऐसा होगा क्या, एक्सपेरिमेंट से टेस्टिंग से यील्ड पॉइंट की वैल्यू आती है, ध्यान देना। सो हर एक डक्टाइल मटेरियल का, हर एक डक्टाइल मटेरियल का नहीं आता, जैसे कॉपर का नहीं आता, एल्यूमिनियम का नहीं आता, तो उसके लिए फ्रूप स्ट्रेस की व्यवस्था है, हम धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर चलेंगे, ध्यान देना। सो कोई भी डक्टाइल मटेरियल मेरे पास है, ध्यान देना, उसमें एक यील्ड पॉइंट आता है, यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा,
इल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा सिग्मा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब हम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सो इल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। इल्ड पॉइंट आएगा, जैसे कि आपके पास मैं ऐसी बना दे रहा, अच्छे से नहीं पूछा, अच्छे से भी बना देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना, इसको भी मैं समझा नहीं रहा, ध्यान देना। यहाँ पर इल्ड पॉइंट होगी, लोअर इल्ड पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये लोअर इल्ड पॉइंट जो मिला वहां पर जो ये जो स्ट्रेस आ रहा है, ये स्ट्रेस, इसको क्या बोलेंगे, इल्ड स्ट्रेस, इल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ। तो इल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसको हम बोलेंगे इल्ड स्ट्रेस, और इल्ड स्ट्रेस को ही क्या बोला जाता है, इल्ड स्ट्रेंथ। तो कोई भी डक्टाइल मटेरियल उसको स्ट्रेंथ मुझे अगर बताना है तो किससे बताता हूँ मैं, इल्ड स्ट्रेंथ। सर क्यों, कैसे, सर ये तो स्ट्रेस तो एक कम है ना सर, ये तो आप ज्यादा देखो सर अल्टीमेट में तो ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये तो ज्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकता है ना सर, तो उसका स्ट्रेंथ आप ज्यादा वाला बताओ ना, अल्टीमेट वाला बताओ ना, ये इल्ड वाला क्यों बता रहे हो, इल्ड वाला तो कम है ना सर, ये वाई एक्सिस है सर स्ट्रेस अगर शो कर रहा है, तो ये इल्ड पॉइंट पे तो स्ट्रेस कम है ना सर, अल्टीमेट पे तो स्ट्रेस ज्यादा है ना, तो अल्टीमेट वाला लो ना उसका स्ट्रेंथ, इल्ड वाला क्यों ले रहे हो, ये बाद में डिस्कस करेंगे। डक्टाइल मटेरियल में जब भी स्ट्रेंथ बताना है तो किससे बताया जाता है, इल्ड स्ट्रेंथ। अब समझिए मेरी बात को, हमको सिद्धांत जी को डिजाइन करना था कोई बीम, सो हर एक मटेरियल डक्टाइल मटेरियल उसमें इल्ड स्ट्रेंथ आपको मिल गया। ये कैसे मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से मिलेगा, एक्सपेरिमेंट से। हर एक मटेरियल का ये टेबल बना हुआ है पहले से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे इंजीनियर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे इंजीनियर सिर्फ चीजों को पढ़ रहे हैं और याद रखने की कोशिश कर पा रहे हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंजीनियर हम कुछ कर छोड़ रहे हैं, हम जो जो डेटा पहले से है हमारे पास उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी याद नहीं कर पा रहे, और हम कुछ नया कर रहे हैं क्या, कोई नया मटेरियल निकाल रहे हैं उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, समझ रहे, और हमको इतना ही करना है, बस इतना ही कर लिए तो काम हो गया हमको, कुछ नया मटेरियल खोजना, उसकी टेस्टिंग करना, उसकी वैल्यूज निकालना, ये सब हम कुछ नहीं कर रहे, सही बात है ना, ध्यान देना। सो बाय एक्सपेरिमेंट हमको इल्ड पॉइंट मिलता है, इल्ड पॉइंट में जो स्ट्रेस होता है इज कॉल्ड इल्ड स्ट्रेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल है, तो उसका इल्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आया है 200 आया है, ध्यान देना, ये इसका स्ट्रेंथ है जिस मटेरियल का हम बनाना चाहते हैं, है ना, वो इसका इल्ड स्ट्रेंथ है। कैसे डिजाइनिंग तक कैसे पहुंचते हैं समझिए, ये इल्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है। अब जैसे मान के चलिए हमको बीम बनाना है, तो बीम अगर हमको बनाना है तो बीम में क्या आता है, दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं जब लोड लगता है, हम धीरे धीरे सारे चीजों पर बात करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस आता है बीम में, और क्या आता है, शियर स्ट्रेस आता है, ध्यान देना। बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू शियर स्ट्रेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है कि बीम की अगर हमको डिजाइन करना है, हम शियर स्ट्रेस को अगर नेगलेक्ट भी कर देते हैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस को ही कंसिडर करके हम बीम को डिजाइन कर देते, तो भी आपका बीम फेल नहीं होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है, हम जब पहुंचेंगे तो और विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना। अब समझिए कि एक कोई भी मटेरियल है उसका इल्ड स्ट्रेंथ इतना है, इसका अगर मैं इल्ड स्ट्रेंथ बोलूं या फिर सिंपली अगर स्ट्रेंथ बोलूं तो इल्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है उसी को इसका स्ट्रेंथ बोला जाएगा, इल्ड स्ट्रेंथ बोल दो, या फिर डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ 200 है। बीम की अगर हम बात करें तो बीम में लोड लगने के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आता है, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग इक्वेशन से निकाला जाता है, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये आपको मालूम होगा। शियर स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है, वी नो दैट एफ ए वाई बार अपॉन आई इनटू बी, धीरे धीरे चर्चा करेंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं, धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ध्यान देना। ये बीम में लोड लगने के कारण आता है बेंडिंग स्ट्रेस, और हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, क्या निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम, ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम निकालते हैं, ध्यान देना। एक्सपेरिमेंट से हमको जो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ मिला है वो कौन सा मिला है, इल्ड स्ट्रेंथ मिला है, ध्यान देना। 200 इसका स्ट्रेंथ है, मान के चलो 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर पहले समझा तो दो स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद ये सब समझाना, अभी तो मैं भूमिका बना रहा सब्जेक्ट्स की, फिर बेसिक में चलेंगे ना धीरे धीरे, ध्यान देना। तो ये डक्टाइल मटेरियल है, अभी आप आज की क्लास से आपको कुछ मिलेगा नहीं एग्जाम में, आप समझिए पहले इसकी भूमिका समझिए सब्जेक्ट्स की। डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेंथ आपको देखा है 200 आया, ध्यान देना, लेकिन हम और चाहते हैं कि सेफ रहे, हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा लोड लगाएं कि 200 तक पहुंच जाए, 201 जैसी हो जाएगा तो हम देखिए 201 होगा, 201 होगा तो हम यहां पर पहुंचेंगे, 205 होगा तो हम यहां पर पहुंचेंगे, सपोज मान लेते हैं 208 आ जाएगा लोड तो यहां पर पहुंचेंगे, यहां 210 हो जाएगा तो यहां पर पहुंचेंगे। दैट मींस ये क्या बता रहे हो, दैट मींस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर लोड बढ़ भी जाए तो बॉडी टूटेगा नहीं, बॉडी तो अल्टीमेट पॉइंट के बाद टूटता है, लेकिन हम मॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मटेरियल को क्या मानते हैं, फेल मानते हैं, अगर प्लास्टिक स्टेट में भी आ जाए तो हम क्या मानते हैं, फेल, ध्यान देना। तो 200 से और हम ऐसा चाहते हैं कि हम जब किसी को बताएं कि इसका स्ट्रेंथ कितना इस मटेरियल का, तो 200 से और कम बताना चाहते हैं, मतलब हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं यार,
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस, कितना अलाउ करना है। अलाउएबल को ही और क्या बोलते हैं? परमिसिबल, कितना परमिट करना है। 200 नहीं परमिट करना है, 200 तो स्ट्रेंथ हमने माना है, लेकिन 200 से भी कम करना है। हम क्या लेते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मैक्सिमम अपॉन अलाउएबल, इसी को क्या बोलते हैं? परमिसिबल। और इसी को क्या बोलते हैं? डिजाइन स्ट्रेस। ध्यान देना। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से बड़ा होता है ऑलवेज, ये आपको मालूम होगा, बेसिक चीजें इतना तो आपको मालूम होगा। नहीं भी मालूम तो हम तो बता ही रहे हैं आपको, और हम हर चीज बताएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान देना। सो मैक्सिमम कितना है इस मटेरियल का? सर ये अल्टीमेट वाला मैक्सिमम, अरे नहीं ना, डक्टाइल मटेरियल में जो स्ट्रेंथ बताया जाता है वो कहां पर बताया, कौन सा स्ट्रेस बताया था? यील्ड। तो इसका अगर मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मैं बात करूं तो कितना है? 200। ध्यान देना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं 2 ले रहा, मैक्सिमम आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ है 200, और मैं कितना परमिट करना चाहता हूं वो मैं निकाल रहा हूं। जितना ये बढ़ाओगे, देखो परमिसिबल, परमिसिबल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 200 डिवाइड बाय कितना हो गया? 2। कितना आ रहा है? 100। परमिसिबल ये इसका स्ट्रेंथ था 200, लेकिन अब मुझे परमिट कितना करना है? 100। 100 से कम परमिट करना है, समझ रहे हो? ये क्या हो गया? परमिसिबल स्ट्रेस, कितना मुझे परमिट करना है। ध्यान देना, अब ये परमिसिबल स्ट्रेस हर जगह डिजाइनिंग में काम आएगा, ध्यान देना। ये परमिसिबल स्ट्रेस, तो ध्यान दो, अगर मुझे बीम डिजाइन करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बेंडिंग स्ट्रेस। तो जो ये बेंडिंग मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, सारी चीजों पर हम धीरे 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 समझेंगे, ध्यान देना। बीम की अगर मैं बात करूं तो ये लोड लगने के कारण मैं निकालता हूं बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसकी वैल्यू, जो बेंडिंग स्ट्रेस बीम में आएगा, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आना चाहिए? लेस या फिर इक्वल आना चाहिए किससे? परमिसिबल से। सुन रहे मेरी बात? अगर ये कंडीशन अगर होगा तो हमारा मटेरियल क्या माना जाएगा? वो कंडीशन होगा कि बेंडिंग स्ट्रेस इज लेस देन परमिसिबल, तो हमारा हमारा जो बीम है वो क्या माना जाएगा? बोलो यार, अच्छा माना जाएगा, बोलो। Yes, क्या माना जाएगा? एक मिनट, क्या माना जाएगा यार? अगर ऐसा हो तो जाएगा 100 से नीचे स्ट्रेस लाना है, 90 ले आओ, 80 ले आओ, 40 ले आओ, बढ़िया है। अगर ये 100 से ज्यादा हो जाए, ध्यान देना, अगर बेंडिंग स्ट्रेस 100 से अगर ज्यादा आ जाएगा, यही तो हमको चेक करना पड़ता है बेंडिंग स्ट्रेस निकाल के। अगर ये 100 से ज्यादा आ गया, मान के चलो 101 आ गया, 101 आ गया, तो आपका बीम, आपका मटेरियल टूटा नहीं है। मटेरियल तो बहुत बाद में टूटेगा, ये 200 था, ये तो क्या पता 400 है, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि 100 से बस ऊपर हो जाए, 101 आ गया मान के चलो बेंडिंग स्ट्रेस। अगर हम ये यहाँ लिखा तो यहाँ लिख दे, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम जो आ रहा है वो ग्रेटर देन आ रहा है परमिसिबल से। दैट मींस परमिसिबल 100 था, ये सपोज 101 आ गया, तो 101 आ गया मतलब ये फेल है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम मॉस की बात कर रहे हैं तो ये फेल है। लेकिन आप ये देखो ना, ये टूटा नहीं है, टूटेगा तो 400 के बाद टूटेगा, लेकिन 101 पे भी हम क्या मान रहे हैं? इसको फेल मान रहे हैं। क्या डिजाइनिंग थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? किसी भी मटेरियल का पहले स्ट्रेंथ देखते हैं, डक्टाइल मटेरियल में वो स्ट्रेंथ होता है यील्ड स्ट्रेंथ, अगर वो ब्रिटल मटेरियल है तो ब्रिटल मटेरियल में जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वही उसका क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। उसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, उसके बाद जहां पर भी रखना है आपको, अगर आपको कॉलम रखना है तो यूलर लोड से कंपेयर करना पड़ेगा आपको, अभी तो बीम रखा तो बेंडिंग स्ट्रेस से कंपेयर कर रहा हूं। समझ रहे इस बात को कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। एम क्या चीज है? तो इसका एम क्या हुआ, सब्जेक्ट्स का एम क्या है? सब्जेक्ट्स का एम ये है कि आप जो भी बॉडी आपके पास है उसमें आप लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, ध्यान देना। एक्सटर्नल लोड लगाने से बॉडी में क्या आ रहा? डिफॉर्मेशन आ रहा, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन आ रहा, स्ट्रेस आ रहा। तो ये सब के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, किसके किसके बीच? एक्सटर्नल लोड लगाने से क्या क्या आएगा, चाहे वो बीम हो, चाहे कॉलम हो, चाहे शाफ्ट हो, किसी में भी क्या क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन आने से क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। डिफॉर्मेशन मतलब अपना जो इनिशियल जो भी इसका लेंथ साइज था वो चेंज हो जाना, दैट मीन्स डिफॉर्म हो रहा है बॉडी, कम हो जाए तो भी डिफॉर्म हो रहा है, बढ़ जाए तो भी डिफॉर्म हो रहा है, कम दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बढ़ गया दैट मीन्स एलोंगेट हो रहा है। ये लोड लगाने से पॉसिबल है ना, कि बोल दो कि कम हो जाए, कम हो जाएगा किसी बार को ले, कम हो जाए, कम थोड़ी हो जाएगा, लोड लगाना पड़ेगा ना। लोड लगाने से डिफॉर्मेशन आ रहा है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। और ये जब भी बॉडी डिफॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, दैट मींस क्या आता है? स्ट्रेस। ध्यान देना, तो एम क्या चीज है? हर एक कंपोनेंट में इनके बीच हम क्या प्रोवाइड करें? रिलेशन प्रोवाइड कर दें, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, विद द हेल्प ऑफ द इलास्टिक कॉन्स्टेंट। किसके हेल्प के साथ? इलास्टिक कांस्टेंट। और ये इलास्टिक कांस्टेंट कैसे मिलते हैं?
हमको इलास्टिक कांस्टेंट कैसे मिलते हैं? जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है, चार इलास्टिक कांस्टेंट है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के, क्या क्या? ई जी के म्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, चार इलास्टिक कांस्टेंट है। ये कैसे मिले हैं? मटेरियल ने मटेरियल के टेस्टिंग से। तो समझिए एम क्या चीज़ है, हम करना क्या चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं मॉस में, किसका डिज़ाइन करना चाहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स का। तो उसके लिए मटेरियल जानना जरूरी है, उसके लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना जरूरी है, किसके किसके बीच में, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट, इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे, तभी तो ये रिलेशन हमने बना रखा है, तभी तो हम आराम से डिजाइन कर लेंगे ना। ये किसी ने तो बनाया है ना कि भाई बीम का डिजाइन करना है तो हम कब बीम को सेफ और फेल मानेंगे, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, समझ रहे हैं मेरे बात? तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो इसमें बेंडिंग मोमेंट लोड वाला इफेक्ट देता है, ये ई इसमें स्ट्रेन भी है, ई में स्ट्रेन है कि नहीं, देखो यही तो इलास्टिक कॉन्स्टेंट है, इज द इलास्टिक कॉन्स्टेंट। और ये क्यों यहाँ पर है ये भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा ई यहाँ पर क्यों है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन, उसमें स्ट्रेन भी है ना, स्ट्रेस भी है ना, उसमें ई भी है ना, दैट मीन ई भी है, ये बेंडिंग में लोड लगने के कारण आता है, आई मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो समझिए बात को, इसका एम ये है कि जितने भी कंपोनेंट है उनमें रिलेशन बना दो, किसके किसके बीच रिलेशन बनाओ, जितने भी कंपोनेंट्स दैट मीन बीम कॉलम सब में किसके किसके बीच रिलेशन बनाओ, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन, स्ट्रेस और इलास्टिक कॉन्स्टेंट, और मस्त रिलेशन बना के आप जैसे स्टूडेंट्स को बता दो कि भैया ये बीम का ये रिलेशन है, ये कॉलम का रिलेशन है, ये शाफ्ट का रिलेशन है। और आप मजे से आप मटेरियल को भी हम लोग टेस्ट करके दे दिया है, ये पिछले वाले इंजीनियर जितने लोगों ने भी किया है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, मटेरियल का हमको स्ट्रेंथ भी दे दिया है, सब पता है, टेबल बना हुआ है हर एक मटेरियल का, स्ट्रेंथ भी हमको मालूम है, रिलेशन भी हमको मालूम है, बस हमको देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से दोनों में कंपेयर करके डायमेंशन चेंज कर लें, शेप चेंज कर लें, समझ रहे? हमको कुछ थोड़ी ना करना है, हमारे पास रिलेशन भी है, हमारे पास मटेरियल का स्ट्रेंथ भी है, बस दोनों को कंपेयर करके देखना है कि कब फेल हो रहा है, कब सेफ होगा, कब फेल हो जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे? वेटेज की अगर हम बात करें सॉम की, तो सॉम का वेटेज 5 से 15 मार्क्स तक चला जाता है ना, ऑन एन एवरेज बता रहा, तो कभी आपको 5 दिख जाता है, कभी 15 दिख जाता है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट्स को नेगलेक्ट नहीं करना है आपको इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि 5, 8, 6 सब्जेक्ट में पूरा सिविल इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, तो वो 5, 8 सब्जेक्ट कौन सा है क्या मालूम। कभी कभी ये होता है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5 मार्क्स से सारे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो कुछ भी होता है। आप पिछले 5-10 साल का सोच के मत मेरे सामने मत आना, या किसी टीचर को मत बोलना कि सर हमने देखा है पिछले, क्योंकि जितने भी टीचर आ रहे हैं सब उन्हें देख रखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि कभी 8 सब्जेक्ट में खत्म हो जाता है इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग, कभी पूरे के पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ये आपके सेमेस्टर की क्लास नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट बता दें, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दें, ये हम लास्ट में बल्कि बता देंगे, अभी तो आपको इक्वली वेटेज देना है हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक को। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट नहीं है ना, आप शॉर्टकट मत भागिए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देंगे, या फिर इंस्टीट्यूट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताया जाता है, या फिर इस इंस्टीट्यूट के कॉपी से ही सारा क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बहुत खतरनाक लगता है मुझे कि कॉपी से क्वेश्चन आ जाता है। भाई क्यों नहीं आएगा कॉपी से क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में तो वही है ना, और जो भी टीचर पढ़ाएगा सिलेबस वही तो पढ़ाएगा, तो कॉपी से तो क्वेश्चन आएगा और कहाँ से आएगा। लेकिन अब उस बंदे को, उस स्टूडेंट को वो चीज़ याद है कि नहीं याद है, और उस टाइम में उसका दिमाग क्लिक किया कि नहीं किया, उससे क्वेश्चन बनता नहीं बनता है कि नहीं, तो कॉपी से तो आना श्योर ही है। समझ में आया क्या एम? प्लीज राइट डाउन एम ऑफ द मॉस, प्लीज लिखो एम क्या है। टू डिराइव द एक्सप्रेशन, प्लीज राइट डाउन, टू डिराइव द एक्सप्रेशन, जितने भी ऑनलाइन मुझे देखेंगे ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर समय क्या है इससे ज़्यादा लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो है